नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको रेलवे की एक और नई सुविधा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक साइट है indianrail.gov.in और conc_form.html। इस यूआरएल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस यूआरएल को खोल सकते हैं। दोस्तों रेलवे की इस सुविधा में अगर आप किसी पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली या एक शहर से दूसरे शहर दिखाने ले जाते हैं और कुछ रेलवे ने कुछ बीमारियां लिस्ट की हैं, अगर इन इन बीमारियों के कारण आप इलाज करा रहे हैं और आपको बार बार एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो आप रेलवे से कंसेशन ले सकते हैं। तो ये कंसेशन कैसे लेंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या कौन सा आपको फॉर्म भरना है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कुछ बीमारियां हैं जो रेलवे ने इस साइट पे लिस्टेड की हैं, तो एक एक करके हम इन बीमारियों पे जाते हैं और उसका फॉर्म कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर कैंसर पेशेंट। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको आप एक शहर से दूसरे शहर आपको दिखाने ले जाना है, किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो आप उसके लिए कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंसेशन कितना होगा, ये 50% तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी होता है, तो वो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया है। उसके लिए आपको स्टेशन मास्टर से बात करनी है, तो ये स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। तो मैक्सिमम केसेस में 50% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक फॉर्म होता है दोस्तों, ये फॉर्म बिल्कुल एज इट इज आपको भरना होता है। इसमें कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि टू स्टेशन मास्टर और किस रेलवे स्टेशन पर आपकी ओरिजिनेटिंग जर्नी है, वहाँ स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पेशेंट का नाम, किस स्टेशन से किस स्टेशन पर आप ट्रेवल करेंगे और किस हॉस्पिटल पर आपका पीरियोडिक चेकअप चल रहा है, चेकअप या आपका इलाज चल रहा है। और ये फॉर्म आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा उस हॉस्पिटल से, उस डॉक्टर से। हॉस्पिटल की इस पे स्टैंप लगेगी और जो वहाँ पे इंचार्ज है, हो सकता है डॉक्टर हो या कोई और ऑफिसर हो जिससे आपका इलाज, तो इस फॉर्म को आपको ये सारी चीज़ें भर के लानी है। तो बिल्कुल फॉर्म इस ही फॉर्मेट में रहना चाहिए, आप इस फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो इनवैलिड। ऐसे ही जैसे ये फॉर्म एक तरफ की जर्नी का, दूसरा फॉर्म सेम ऐसा ही फॉर्म आपका रिटर्न जर्नी का, रिटर्न जर्नी में भी बिल्कुल यही चीज़ें आप भरेंगे। तो एक बार ये आप पूरा सर्टिफिकेट फॉर्म भर लेते हैं, तो ये 1-3 महीने के लिए वैलिड रहता है, 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो 3 महीने के अंदर आप कभी भी जर्नी कर रहे हैं तो इस फॉर्म के बेस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, आपको इस फॉर्म को भरना है और उस हॉस्पिटल से सर्टिफाई करा के लाना है, इसमें वो सारी डिटेल्स हैं। और सर्टिफाइड करने के बाद जब आप टिकट बुक करने जाएंगे रेलवे काउंटर पर, वहाँ पर स्टेशन मास्टर को ये फॉर्म देना है। उसके बाद स्टेशन मास्टर आपको जो डिस्काउंट है वो दे देगा और आप जैसे नॉर्मल कोई भी टिकट बुक करने के लिए काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इस पे जो पेशेंट है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा और पेशेंट के साथ जो दूसरा जो एस्कॉर्ट है जो पेशेंट को ले जा रहा है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो दो लोगों को इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। आपको ये फॉर्म भरना है और ये कैंसर के लिए 3-3 महीने के लिए ये फॉर्म वैलिड है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप जर्नी करते रहेंगे तो मिलता ही रहे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हार्ट पेशेंट जो है उसके लिए भी है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको आना है जाना है, तो ये मिल जाती है। ये हर क्लास में मिलता है और लेकिन ये स्टेशन मास्टर के ऊपर है कि किस क्लास में अवेलेबिलिटी है, क्या है, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस क्लास में वो आपको दे सकता है। ऐसे ही हैंडीकैप के लिए है, जो हैंडीकैप के हैं, लेप्रोसी के जो पेशेंट हैं उनके लिए कंसेशन है और मेंटली रिटार्डेड जो है उनके लिए है, बिल्कुल ब्लाइंड लोगों के लिए है। अगर टीबी, ये देखिए दोस्तों टीबी के अगर आप पेशेंट हैं तो टीबी के जो पेशेंट है उसके लिए भी ये फॉर्म है। तो इसी ढंग से अलग, ये अलग फॉर्म है, तो हर बीमारी का अलग फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है, जिस यहाँ से आपको प्रिंट ले लें और जिस टेम्पलेट में ये है जो चीज़ें हैं वो भर के आपको स्टेशन मास्टर को देनी है और फिर आप रेलवे काउंटर से ही ले सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, ये फॉर्म भर के आपको रेलवे काउंटर से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा।
ऐसे ही अगर आप कोई किडनी का पेशेंट है उसके लिए भी डिस्काउंट है, और ये फॉर्म भर के आप इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। तो कोई 3 महीने तक, यूजुअली ये सारे फॉर्म्स 3 महीने तक, 3 महीने तक वैलिड है। और ये फॉर्म, ये जो भी सुविधा है, आप अपने जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं और जहाँ आप दिखाने जा रहे हैं उसी के बीच ले सकते हैं। तो ये सुविधा अच्छी सुविधा है। आप अगर बार बार ट्रैवल करना होता है पेशेंट को दिखाने के लिए, तो इसको एक बार आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कंसेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है।